समझ ली कि आप ये हमारा त्याग कर दिए हैं, अब पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया, अब प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में सभी देवता जा रहे थे। अच्छा जा रहे थे तो इतना बड़ा आसमान था, थोड़ा घूम के निकल जाते, वहीं से विमान निकालने की क्या जरूरत थी जहां शंकर जी और सती जी विराजमान थे। क्योंकि अब जैसे गाड़ी है तो रोड पे ही चलेगी, इधर उधर हो जाए वो, लेकिन रोड पे ही चलाना पड़ेगा। रेलगाड़ी है चलेगी तो पटरी पे ही, जितनी जहां जहां पटरी चली वहीं चलना पड़ेगा। हवाई जहाजों को क्या, थोड़ा यहाँ का यहाँ हो जाए। हाँ उनके वायु मार्ग अवश्य निश्चित रहते हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में वो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये शंकर जी सती जी बैठे हैं, देवता जा रहे थे। क्यों? आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ कोई आयोजन हो और उसके खास रिश्तेदार को यदि निमंत्रण न मिले, एकदम अजीज निमंत्रण न मिले, तो बहुत बार लोग उसके घर होकर जरूर जाते हैं जिसे निमंत्रण नहीं मिला, और वहां जाकर कहेंगे अरे महाराज आप नहीं चल रहे हैं, नहीं आप नहीं चल रहे, जबकि पता है कि इसे निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन जब उसी के मुंह से कहला लेंगे अरे भाई निमंत्रण नहीं, अरे आपको निमंत्रण नहीं, तो आंसू आ गए, हमारा तो मन कर रहा हम भी ना जाएं, आप कहो तो ना जाएं। ठीक है जा रहे हैं पर मन यहीं रखा है। अच्छा देवता जा रहे थे तो चुपचाप जाते, आराम से निकल जाते, लेकिन सुर सुंदरी कर ही कल गाना, सुनत श्रवण छोटा ही मुनि ध्याना, गाते बजाते जा रहे। अब सती जी ने सुना और पूछा कि ये कौन कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा आपके पिता का यज्ञ है और पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, तब तो मैं भी जाऊंगी हे प्रभु यदि आप कहें तो। जाती तो भगवान शिव ने कहा तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। बहुत कहा सती जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती जी जब समझी नहीं, शंकर जी ने दिए मुख्य गण संगतव विदा कीन त्रिपुरारी, विदा कर दिया कि अब आप पधारे। सती जी गई और वहां जाकर देखा अपने पिता का व्यवहार बड़े क्रोध में और विरोध में। बहनें मुस्कुराते हुए मिली चिढ़ाते हुए, लेकिन अच्छे से तो केवल माँ ही मिली, सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, केवल माँ ही अच्छे से मिली। कुपुत्रो जायति क्वचिदपि कुमाता न भवती, कुपुत्र तो हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। आहा मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों ने कभी ब्रह्मा जी को देखा है? कभी किसी ने देखा हो? सुनते तो हम सब हैं। कभी विष्णु जी को देखा है साक्षात? कभी महेश जी को देखा है किसी ने? ना आपने ब्रह्मा जी देखे, ना विष्णु जी देखे, ना महेश जी देखे, पर मैंने देखे हैं। मैंने ब्रह्मा भी देखे हैं, विष्णु भी देखे हैं और महेश भी देखे हैं। तीनों को, ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं या नहीं करते हैं,
मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, इसीलिए माँ ही मेरे लिए ब्रह्मा हुआ करते है। विष्णु इस जगत का पालन करते हैं या नहीं करते हैं नहीं पता, न देखा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया है, इसीलिए माँ ही मेरे लिए ब्रह्मा, माँ ही मेरे लिए विष्णु हुआ करती है। इस सृष्टि का विनाश भूत भावन महादेव करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हर बच्चे के जीवन से उसकी बुराइयों का अंत करने वाली कोई है तो वो उसकी माँ हुआ करती है, इसीलिए माँ ही मेरे लिए ब्रह्मा, माँ ही मेरे लिए विष्णु, माँ ही मेरे लिए महेश हुआ करती है। आप सभी लोग रोज सवेरे से उठ के कभी ब्रह्मा जी के मंदिर जाओ न जाओ, विष्णु के मंदिर जाओ न जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ या मत जाओ, लेकिन जो व्यक्ति सवेरे से उठकर अपने माता पिता का दर्शन कर लिया करता है, उसे भगवान के दर्शन का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। क्या बात है, जय हो। अरे भाई, माता पिता भगवान है, कहां भगवान को खोजने चल दिए। एक बड़ा सुंदर